स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय इग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए MHI 101 का सॉल्व असाइनमेंट PDF लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने इस पर MHI 101 इंग्लिश मीडियम एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ का आपका सब्जेक्ट है और इसका मीडियम मैंने इंग्लिश चूज़ किया है। इसके सॉल्व आंसर हम देखने वाले हैं वीडियो के एंड तक। सभी सॉल्व आंसर यानी कि आपके जो भी असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सॉल्व आंसर हम इसमें देखेंगे। वीडियो के एंड तक मैं आपको सारे आंसर्स दिखाऊँगी और ये सारे आंसर्स आप अपने असाइनमेंट्स बनाने में यूज़ करेंगे और इसके मार्क्स भी पूरे स्कोर करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने आपकी इग्नू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करी हैं। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे कंटेंट यूज़ किया हुआ है, ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही में अगर आप किसी का हैंड रिटन हमसे बनवाना चाहते हैं इग्नू के किसी भी सब्जेक्ट पर, या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको MHI 101 का सॉल्व असाइनमेंट PDF शो कर देती हूँ, किस तरह से मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आ गए हैं आपके असाइनमेंट PDF पर। इस तरह से ये PDF आपको दिया जाएगा, जिसके फ्रंट पेज पे आपको MHI 101 आपका जो है सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है और सब्जेक्ट नेम है एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़। इस तरह से आप ये असाइनमेंट्स का फ्रंट पेज बना हुआ है और नीचे आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज से आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अटैच करके दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, टोटल मार्क्स आपके लिखे हैं 100, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पूरा असाइनमेंट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको दिया होगा असाइनमेंट में। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है इसमें। और यहाँ पे स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिनमें से 2 टॉपिक आपको करने हैं और दोनों टॉपिक्स 10-10 मार्क्स के रहेंगे, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपको, सेक्शन बी में भी सेम आपका 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है और जो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से 2 टॉपिक आपको करने हैं, 250 वर्ड्स में इनके आंसर आप देंगे और 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, ईच टॉपिक यानी कि रहेगा। अगले पेज से इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप। तो यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट किया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ से असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे ब्लैक पेन से, राइट अ नोट ऑन द शेज ऑन द शैंग सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थन एंड सेंट्रल चाइना। द शैंग सिविलाइजेशन क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा कंटेंट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया है, रीड कर सकते हैं आप। पूरा ही वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप चाहे तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर लें, उसके बाद अपना असाइनमेंट लिखें और जितना हो सके इसमें आप इसको रीड करके इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो उसके और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है, एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2।
सेक्शन बी स्टार्ट है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ नोट ऑन मेजर डिबेट ऑन फेडरलिज्म। पहले डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में यानी कि एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर और टोटल 5 क्वेश्चन इस असाइनमेंट में स्टूडेंट दिए हुए थे। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिखाए हैं और सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको, सबके इक्वल मार्क्स हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। कोई भी डाउट होता है असाइनमेंट से रिलेटिव तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे नंबर पर भी हमें जो है DM कर सकते हैं। और स्टूडेंट आपका इसके अलावा कोई और सा सब्जेक्ट होता है इग्नू से रिलेटिव, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका आप हमसे असाइनमेंट ले सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई और से सब्जेक्ट पर चाहिए तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।